Like many other records, another important aspect of record keeping is tracking the financial records. The psychologists strive to ensure the accuracy of financial records because they are very much important in different scenarios. A client आपके पास regular session के लिए आ रहा है, psychotherapy के लिए आ रहा है, लेकिन उसके financial records आपके पास maintain नहीं है. At any time, वो आपके लिए भी एक issue बन सकता है और उस client के लिए भी बन सकता है. क्योंकि दोनों उस स्टेक होल्डर्स हैं उस एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट के और दोनों को किसी भी स्टेज के ऊपर उन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की ज़रूरत पड़ सकती है क्लाइंट को किन सनारी में पड़ सकती है मे बी उसको अपनी इनकम टैक्स डिडक्शन के वक्त उन्हें प्रोड्यूस करने की ज़रूरत हो मे बी उसको अपने किसी हेल्थ इशू uh, के लिए रिबर्समेंट के लिए उन रिकॉर्ड्स की ज़रूरत हो या एनी लाइक दैट इसी तरह क्लाइंट को भी अपनी लीगल जो थेरेपिस्ट है उसको भी अपनी लीगल इनकम शो करने के लिए उसको ये शो करने के लिए कि वो एक बिल्कुल फेयर एंड ओपन तरीके से अपने टैक्सेस को पे कर रहा है उसके लिए भी और और दे बी एनी अदर सनारी जिसमें हमें फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस करने की ज़रूरत पेश आ सकती है एक्यूरेट एंड कम्प्लीट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हेल्थ टू इंश्योर एक्यूरेसी इन बिलिंग नेचर ऑफ द पेमेंट ऑब्लिगेशन एंड एग्जैक्टली विच सर्विस हैज़ बीन पेड एंड फाइल्ड सो बेसिकली जब हम एक प्रॉपर बिलिंग करते हैं उसके ऊपर नोटिंग होती है कि ये किस सर्विस के अगेंस्ट चार्ज किए जा रहे हैं और ये कितने पैसे चार्ज किए जा रहे हैं और इसकी रिसिप्ट किस इंडिविजुअल के नाम पे दी जा रही है सो so इस तरह के सिस्टम्स जो हैं वो एक ट्रांसपेरेंसी डेवलप करते हैं ऑन द स्टेक ऑफ बहुत पार्टीज और ये बेनीफिशल रहता है फॉर मैनी फर्दर रिक्वायरमेंट्स विच कैन बी अराइज एट एनी टाइम और उस वक्त हम इन रिकॉर्ड्स को ईजीली ट्रेस बैक कर सकते हैं और रिक्वायर्ड uh, uh, जो हमारे पास पार्टीज हैं उन्हें हम प्रोड्यूस कर सकते हैं अप टू डेट रिकॉर्ड कीपिंग कैन अलर्ट द साइकोलॉजीज एंड द एक्यूमुलेटिंग बैलेंस डेट एडवर्सली एफेक्ट द प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स अगर हम उसके प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे होंगे तो एक डाटा प्रोवाइड हो चुका होता है कि अब तक कितनी पेमेंट की जा चुकी है या कितनी पेमेंट जो है वो अभी तक पेंडिंग है और वह नहीं की गई है ताकि इसकी वजह से एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप किसी फाइनेंशियल बाइंडिंग में आने की वजह से डिस्टर्ब ना हो नाउ डिस्पोजिशन ऑफ रिकॉर्ड्स द साइकोलॉजिस्ट प्लान फॉर द ट्रांसफर ऑफ रिकॉर्ड्स टू इंश्योर कॉन्टीन्यूटी ऑफ ट्रीटमेंट एंड अप्रोप्रिएट एक्सेस टू रिकॉर्ड्स एन द साइकोलॉजिस्ट इज नो लॉन्गर इन अ डायरेक्ट कंट्रोल एंड इज प्लानिंग फॉर द रिकॉर्ड डिस्पोजिशन सो कमिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड टू द डिस्पोजिशन ऑफ द रिकॉर्ड दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड अगर हमने ये एक पूरा चैनल डिवेलप कर लिया कि प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग हो उसकी रिटेंशन कैसे की जाए उसकी डिस्पोजिशन कैसे की जाए उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को कैसे कैसे देखा जाए तो इस तरह से किसी भी स्टेज पर जब वो साइकोलॉजिस्ट या वो साइकोथेरापिस्ट उस क्लाइंट को किसी भी रीजन से अगर छोड़ना चाह रहा है या वो कहीं और शिफ्ट हो रहा है या ट्रांसफ़र हो रहा है उसके पास एक कम्पलीट रिकॉर्ड होगा जो उसके फाइनेंशियल एस्पेक्ट को भी एक्सप्लेन करा होगा और वो उसके बाकी मेडिकल एस्पेक्ट को भी कम्प्लीटली शो कर रहा होगा तो वो ईजीली इट कुड बी हैंडेड ओवर टू अनादर पर्सन नाउ क्लाइंट रेकर्ड्स आर रिकॉर्डेड स्पेशल ट्रीटमेंट इन टाइम्स ऑफ ट्रांजेशन सेपरेशन फ्रॉम वर्क री एलोकेशन एंड डेथ ऐसे क्लाइंट्स जो इस तरह की किसी वजह से ट्रांसफर किए जाते हैं उनकी प्रॉपर रीजनिंग और डिटेल्स जो है वो भी उनकी फाइल्स के अंदर मेंशन की जाती है the psychologists endeavor to employ methods that preserve confidentiality and prevent recovery so yahan par ye bahut zaruri hai ki transfer ke cases ke waqt kisi bhi client ki confidentiality breach na ho aur sirf wohi information jo uske treatment ke liye necessary hai woh sari describe ki jaye और उसको general public या general और uh, organization के लोगों के लिए बिल्कुल भी open ना किया जाए. it should be strictly handed over to the

राइट uh, डाउन down into द रिकॉर्ड एंड could बी ड्यूली intimated टू द क्लाइंट लाइक अगर आप उसकी मेडिसिन की जो डोज है वो आप पॉइंट uh, फाइव से पॉइंट सेवन फाइव कर रहे हैं तो दैट शुड बी एक्सप्लेन टू द क्लाइंट अगर आप उसकी थेरेपी में किसी टेक्निक का चेंज ला रहे हैं दैट तो शुड बी ब्रीफ़ टू हिम और अगर आप किसी भी रीजन से उसका जो रेकॉर्ड है वो किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं तो दैट शुड ऑल्सो भी ड्यूली इंफॉर्म टू द क्लाइंट सो दिस इज़ हाउ we have to do with the disposition of the records and this is how the financial record should be kept into a proper manner